हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मिले हमारे भाई से, सागर भाई से, हमारे दिल्ली वाले सागर भाई, छोटे भाई हैं हमारे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं योगिता से और अमन से मिलने के लिए आए हैं भाई साहब। चाइना तो आते रहते हैं चाचा जी के साथ में। हमारा तो था प्लान कि चाइना में मिलने का, लेकिन कुछ कारण बस डिले हो जाता था। एक तो दूर इतना हो रहा था, चार्ज नहीं। बहुत बार डिले हो गया, लेकिन बस ये था कि भाई से मिलना ज़रूर है और बस मिल गया, बस खुशी होगी और तसल्ली होगी, तसल्ली सच में। और सच बता रहा हूँ, दिल का रिश्ता है मेरे भाई से। अरे बिल्कुल भाई। सो गाइस, ये देखो भाई, ये है पैसिफिक मॉल वैशाली। वैशाली में है पैसिफिक मॉल भाई। इतना ज़्यादा बिजी है, क्राउडेड है और बहुत सुंदर है भाई। और यहाँ पे जो है ना, सागर भाई ने हमें खाना खिलाया है, जबरदस्ती पेमेंट करी है भाई साहब ने। यही है वो इंसान, मेरे पास कैश होते होते भी कार्ड से पेमेंट किया जबरदस्ती। वहाँ पे देखो, यहाँ ले गए थे भाई साहब और बड़ा जबरदस्त खाना खिलाया भाई साहब ने। वो तो सुना होगा आपने, ये बोलते ना, यही है वो इंसान। गौर से देखिए इस इंसान को, इसने जो मेरे पास कैश होते हुए कार्ड से पेमेंट किया है। ध्यान से देखिए इस शख्स को, कैश भी था कार्ड भी था, दोनों पेमेंट करे। एक बार तो पिन इनकरेक्ट हो गया, आपने कहा नहीं करता। यो बाबा कर दिया पेमेंट इन्होंने। कोई बात नहीं। वैसे मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन नहीं, जब दोबारा मैं पकड़ूंगा इनको तो इनका कार्ड वार्ड सब पकड़ूंगा, पेमेंट हम करेंगे। वो भाई के चांगचून सिटी तब करेंगे। हां, चाइना बिल्कुल। ये देखिए जी, अमन को बिठाया हमने ट्रेन के अंदर। आ गया अमन ट्रेन के अंदर बैठ के। योगिता Are you happy? Yeah. So finally, हम लोग जो है सागर भाई से बाय बाय करके जो है अपना होटल वापस आ रहे हैं। भाई सागर भाई ने हमारी इतनी सेवा करी है, इतना मतलब हमारे लिए किया यार, बस क्या बता दें। हमारा पेट फुल था, फिर भी उन्होंने हमें दबा के खाना खिलाया बढ़िया। How is the Sagar? A nice person? Yes, very nice and looking handsome. Handsome boy, and very nice, very young. He is younger than me, and but he is very big businessman. And strong, looking strong. Yeah, very strong. Good morning, friends. Ram Ram ji. Good morning, friends. आज का वीडियो जो है ना ब्लड टेस्ट। आज का वीडियो हम जो है ब्लड सैंपल के कर रहे हैं। शुरू। चलो go. I'm very scared. Go. Don't be scared. चलो सोना निकला। ओए नंगू हट जा पीछे। आई नीड टू ईट अ लॉट। नो, इट्स नॉट लाइक सर। अभी 2 मिनट दो, अब तो इसको सील एंड सब कुछ नया सर। वो बैंडेड हो गया, बहुत बढ़िया। ये सारी बिल्कुल सर सील पैक है, आप चेक कर सकते हैं सर। सील है बिल्कुल, सील पैक। और कंपनी बीडी की, कंपनी की नीडल यूज करते हैं हम। बीडी नहीं, नाम टाटा का भाई। फिर तो बीडी नहीं, ये भी ये जो प्रोडक्ट है ये बीडी कंपनी का यूज करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अमन आपको क्या हुआ है? अमन को डर, आपको नहीं करना है बेटा। पापा को देखो कहाँ दर्द हुआ, नहीं हुआ दर्द। अमन बोल रहे मम्मा पापा को इंजेक्शन लगा रहे, तो वो रो रहा है यहाँ पे बैठ के। मम्मा को कौन लगा रहे इंजेक्शन? यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लड का सैंपल यहाँ पे निकालेंगे, पूरी किट साथ में लेके चलते हैं। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी आपकी, पता है ये चीज बहुत अच्छी। चलो थाई हॉल निकालना वहाँ। तो हमारे आज की जो शुरुआत है भाई, दिन की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल से। और उसके बाद जो है हम निकलेंगे अपना एक हॉस्पिटल में, जो योगिता का एक इंजेक्शन है वो लगवाएंगे हॉस्पिटल में, ठीक है। और एक वैक्सीनेशन करवानी है। और तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, और भी बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से आज देखने को मिलेंगी। हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली वी डिड आवर ब्लड सैंपल टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू हैव ए ब्रेकफास्ट। ओके, आर यू हैप्पी? Yeah. What about the pain? No pain, no gain. A little pain, yeah. Because that guy is very professional. So, दोस्तों अब जा रहे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो भाई, 5-star होटल में ब्रेकफास्ट किस तरह का होता है आप लोग भी हमारे साथ देख लीजिए। अगर आप लोगों के पास अपना कीमती समय निकाल कर अगर आप हमसे मिलते हैं इंडिया में, तो हमारा सौभाग्य रहेगा, मेरा सौभाग्य रहेगा कि आप लोगों के साथ खाना खाने के लिए मुझे नसीब हो रहा है।
भाई साहब ये जो होटल है ना यहाँ पे सच में बाहर तो हाईवे है, ये है नोएडा में, ठीक है, 5-स्टार होटल है ये। सो हाईवे के बिल्कुल साइड पे ये होटल है, लेकिन भाई साहब इस होटल में इतनी सी भी आवाज आपको गाड़ी की सुनाई नहीं देती है। बाहर आप देख सकते हैं गाड़ियां चल रही है, लेकिन साउंड नहीं आता है, और बिल्कुल पीसफुल एकदम है ये जगह। भाई इस तरह की जो फैसिलिटीज है ना वो 5-स्टार होटल में मिल सकते हैं। यहाँ पे जो है आपके लिए पानी कॉफी ये सब कुछ रहता है कॉम्प्लीमेंट्री। ये होटल है गोल्डन तुलिप करके होटल है। तो भाई साहब कभी भी अगर आप आते हो नोएडा ये गाजियाबाद साइड पे, तो 18 सेक्टर वसुंधरा में है, आप यहाँ पे एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हो, काफी बढ़िया चीज है मतलब। और रूम रेंट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो रूम रेंट है ना 8-10 हज़ार रुपए पर नाइट के हिसाब से है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। ये मैं अपने पापा जी के लिए मसाज वाली मशीन लेके आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे लेग्स पे ऐसा मसाज होती है, कभी ये लो कभी थकावट हो जाती है, तो ये मशीन बहुत तगड़ी है। ओ भाई ये ना ये मेरे पापा जी के लिए मशीन लेके आया हूँ एक मसाज वाली, तो उसको लेके बैठा छोड़ ही नहीं रहा है आज। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है भाई, इसकी डायरेक्शन में हमें जाना है यहाँ। अमन आप क्या खा रहे हो? यू लाइक केक? यू लाइक दिस केक? डोनट? वेयर्स योर डोनट? शो मी योर डोनट, शो मी योर डोनट। भाई मेरा तो यहाँ देसी है खाना वाना, इनका है कुछ अलग तरीके से। यू खा रहा केक? खाओ खाओ। आर यू फुल योगिता? सो हेलो मेरे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसे हैं? तो भाई अब 5-स्टार की सुविधा खत्म करके यहाँ से अब जा रहे हम, ठीक है, आपकी भाभी के लिए वैक्सीन लगानी है, हॉस्पिटल में बुकिंग कर रखी है। यह वेरी कम्फर्टेबल, बट देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, योर वाईफाई इज नॉट वर्किंग सर। वाईफाई एंड पासवर्ड, योर लास्ट नेम? यू नो दैट वाज नॉट प्रॉब्लम, बट द नेटवर्क प्रॉब्लम, इट्स वाईफाई इज वेरी 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 बैड, बट एवरीथिंग इज ओके सर। Only there is problem with your Wi-Fi, sir. Otherwise, the room is very clean, need a clean, good service. So, मेरे दोस्तों अब लोग हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर, आप लोग देख सकते हैं ये 3-व्हीलर है, दिल्ली के 3-व्हीलर। अब निकल रहे हैं हम लोग पैसिफिक मॉल के लिए, और आप देख सकते हैं ये फ्रंट पे जो बैठे हैं भाई साहब, और ये हमें छोड़ के आएंगे पैसिफिक मॉल। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे 10 रुपीज़ पर पर्सन ये चार्ज करेंगे। देख रहे हो आप कैसी है गाड़ी? हाँ ओके, मजा आ रहा है। दोस्तों ये है वैशाली का यहाँ पे पैसिफिक मॉल, उसमें पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हम लोग आ चुके हैं डोमिनोज़ पे, और कुछ अमन ने थोड़ी बहुत जिद भी की आज, बहुत ज़्यादा रोया भी कि केक खाना है, तो केक तो दिला नहीं पाया, केक के लिए उसको थोड़ा नीचे लेके जाऊँगा बाद में। अभी जो है हम लोग डोमिनोज़ का कुछ पिज़्ज़ा कोई ऑर्डर करेंगे अच्छा सा, देन कुछ थोड़ा बहुत खाने के बाद फिर से यहाँ से मूव करेंगे नोएडा के लिए। ये देखो भाई पिज़्ज़ा और डोमिनोज़ यहाँ पे, पिज़्ज़ा हट और पिज़्ज़ा, ये डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा है ना भाई पनीर वाला, ये बहुत बढ़िया भाई साहब, आपको चाइना में ऐसा पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा भाई, गारंटी है नहीं मिलेगा, ये वाला पिज़्ज़ा आपको चाइना में नहीं मिलेगा, और ये वाला पिज़्ज़ा आपको चाइना में नहीं मिलेगा। सबसे टेस्टी पिज़्ज़ा होता है इंडिया का भाई, चाइना में आज तक जितने भी पिज़्ज़ा खाए ना भाई, मतलब बहुत कम खाए हैं, ज़्यादा खाए नहीं, क्योंकि वहाँ डिलीशियस पिज़्ज़ा नहीं मिलता है। इंडियन फूड भी मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस नहीं मिलता है भाई। यहाँ पे आके फिर मैं टूट पड़ता हूँ ये सब खाने पे, दबा के खाते हैं फिर हम तो। यहाँ मज़ा आया भाई साहब, हाउ इज़ द टेस्ट? इट्स बेटर देन चाइनीज पिज़्ज़ा। या बेटर देन चाइनीज पिज़्ज़ा सच में।
हेलो मेरे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे नोएडा में। ये देखो भाई साहब, नोएडा पहुंचने वाले हैं भाई साहब। हैं पंजाब से और हमें छोड़ के आएंगे ये नोएडा में, जहाँ के हमें मिलेंगे हमारे एक परम मित्र योगिता, जो है डर रही है। योगिता इज वेरी स्केयर्ड, बैग को बड़े जोर से पकड़ रखा है योगिता, इसको डर लगा है ये इंडिया में कैसे, मतलब ऐसे इतनी फास्ट इस तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो क्योंकि बाइक कार ट्रक सब एक ही रोड पे चल रहे हैं, चाइना में ऐसा नहीं होता एक्चुअली। हाँ, योगिता कह रही ट्रक बाइक गाड़ी सब एक ही रोड पे चल रहे हैं। एक्चुअली चाइना में क्या होता है ना भाई साहब, कार कार की लाइन में चलेगी, ट्रक ट्रक के, बाइक बाइक के, बाइक तो आपको हाईवे पे नजर ही नहीं आएगी, उनके अलग से लाइन होती है। साइकिल भी चलेगी, सब बैलगाड़ी भी चलेगी, बैलगाड़ी भी चलेगी, दो रुपए की भी चलाते हैं। अरे भाई खतरनाक, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। खजाने का चल रही है ना, न्यू छ ना और वहां से का नाम न्यू द छ, न्यू ला द छ, जो बंदी है ना, तुम कहां से आ रहे हो सामने आ मैं सा रहा हूं, मैं सा रहा हूं। भाई साहब ने गाड़ी को दबा के खींच रखा, भाई पहुंचने वाले हम लोग यहां पे रामा हॉस्पिटल है, वहाँ जाएंगे, योगिता की जो है वो वैक्सीनेशन करवानी है। जो है भाई योगिता यहाँ डरी हुई बिल्कुल एकदम, ये देखिए भाई कैसे पकड़ रखा बैग को इसने, भाई साहब ने मजे बांध रखे हैं भाई साहब यहाँ। हेलो मेरे दोस्तों, पहुँच चुका हूँ भाई रामा हॉस्पिटल के बाहर, ये रामा हॉस्पिटल है और एमरजेंसी गेट के बाहर बैठा हूँ मैं। तो ये है भाई रामा हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये, और मंदिर बना दिया भाई साहब यहीं हॉस्पिटल के बाहर, मंदिर है। कुछ काम जो है दवा से हो जाएगा, कुछ दुआ से हो जाएगा। ये देखो हमारे मित्र आ गए, हमारे मित्र है। ब्लड का टेस्ट ले रहे हैं, जैसे ऐसे पुल आउट करो ठीक है ना, और जिगजैग लेके ले देना, समझ गए ना, ऊपर आउट ले लो लगा ना, बस यहाँ पे और ऊपर ले, और अच्छे से उसको पुल आउट कर लो। ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली का ट्रैफिक भाई बहुत बुरा हाल है, हम यहाँ फंस गए, अभी हमें चंडीगढ़ जाना है और बस क्या बताऊँ यार, वो बुरा हाल भाई बुरा। वो आप पीछे आप देख रहे हो ना भाई, ये पहाड़ पूरा दिल्ली का कचरा, जो न्यूज़ चैनल में आप देखते हो यही है दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या। देखो कितने सारे यहाँ पे मतलब कौए देखो मंडरा रहे हैं, ये सारे कौए हैं भाई साहब, जो यहाँ पे मतलब कचरा खाते हैं। तो भाई साहब हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल छूटने वाली है, यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ देखो आप देख सकते हैं ये सारे कुली जो है इतनी फास्ट भागते हुए जा रहे हैं। ये सारा मेरा सामान है भाई साहब, वो टिकट का जो मेरा प्राइस है ना, हमारी रेलवे टिकट जो है ना भाई वो 1600 रुपए की है, तीन मेरी और योगिता की, 1600 रुपए की तो हमारी टिकट है, 2000 रुपए हम कुली वाले को दे रहे सामान पहुँचाने के लिए, भाई क्या बताऊँ। तो ये देखो भाई साहब 2000 रुपए चार्ज कर रहे हैं ये सामान छोड़ने के लिए, 1 2 3 4 5 बैग हैं, भागते हुए छोड़ के आएंगे कह रहे। चलो भाई साहब क्या बोल सकते हैं, जो भी है। चलो भाई साहब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपना रेलवे स्टेशन पर। ओहो पार्ले जी का बिस्कुट दिख गया भाई मुझे एक, ये भाई साहब ने कहा मैं भगा के पहुंचा के दूंगा आपको। तो यहाँ पे ये है ट्रेन हमारी, बहुत दूर से भागते हुए हम लोग आए हैं, और कुछ ही देर में यहाँ पे जो है कोशिश ये रहेगी कि हम लोग ट्रेन जो है बस 7 मिनट का और टाइम हमारे पास जो फाइनली 8 मिनट का टाइम और है। नमस्ते इंडिया, टनल के नीचे लिखा था नमस्ते इंडिया दूध। भाई साहब हर जगह जो है मोदी जी छाए हुए हैं, देखो भाई संकट में ना घबराएं, ये देखो संकट में ना घबराएं, इस नंबर पे फ़ोन लगाएं, देख लो भाई साहब तुरंत सहायता पाएं, गजब गजब गजब। फुली एसी है भाई साहब ट्रेन, फुली एसी है, बढ़िया एकदम फुली एसी ट्रेन है। मेरे लगेज बहुत ज़्यादा थे, अगर ये लोग नहीं होते ना भाई आज तो ट्रेन में बैठ नहीं पाते हम। सो गाइस फाइनली हम लोग जो है ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये है भाई चंडीगढ़ जाने वाली शताब्दी थी, और ऊपर देखो भाई सारा यहाँ लगेज हमारा लोड हो चुका है, इधर 10:30 बजे के करीब हम लोग चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। तो एक हफ्ते से थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो शक्ल भी ऐसी हो रखी है, पसीना पसीना हो रखा है दिल्ली में,
पहले तो -20-30 degrees टेम्परेचर में रह रहे थे हफ्ता भर पहले, आज देख लो ये हाल चाल है। जोर लगाओ, खोलो खोलो खोलो, इंडिया का ये बुलेट ट्रेन नहीं है। ये देखो भाई साहब, यहाँ अमन देख रहा है यहाँ कार्टून, और योगिता यहाँ बैठी है अपने मुंह क्या जी जी मुंह में खुजा रही है अपने, इसके पिंपल निकले हुए उस पर ही मतलब खुजली कर रही है। भाई साहब योगिता इंडिया की ट्रेन में पहली बार, और अमन इंडिया की ट्रेन में पहली बार। अमन अमन इधर देखो खाना, वाओ डू यू लाइक दिस, ओके। सो भाई ये देखिए भाई साहब यहाँ पे वेलकम वेलकम स्वागतम इंडिया की ट्रेन में, अमन का फर्स्ट टाइम है भाई। वो कबूल किए से जो ये दुर्गा पोशा पोशा दिया कह रही भाई मैं इंडिया की ट्रेन में दो तीन तीन चार बार बैठ चुकी है, चार बार ओके ओके, चौथी बार है भाई इंडिया की ट्रेन में इसका। लेकिन अमन को जो है ये देखो भाई ये दही बहुत पसंद आ गया। अमन कैसा है, पनीर मिक्स वेज रोटियां चावल, क्या बात है, 185 रुपए में भाई साहब इतना मिल रहा, क्या बात है। चलो भाई आ गया, मेरा भाई भी आ गया, मेरा भांजा भी आ गया, सारा धीरे धीरे परिवार इकट्ठा हो ही रहा है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली। ये मेरा भांजा है, मेरा भाई है, और ये अमन योगिता। हाउ इज द ट्रेन, गुड या वेरी डिलीशियस फूड या? तो भाई ट्रेन बहुत बढ़िया है जो दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक की आती है, काफ़ी बढ़िया ट्रेन है भाई साहब, एकदम बेस्ट सर्विस है, शताब्दी है ये भाई साहब। चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन पूरा एकदम से भीड़ है यहाँ, ये देख लो भाई साहब जनसंख्या है यहाँ की, जैसे जिद कर रखी है अमन ने कि अपना ट्रॉली मैं खुद ही लेके जाऊंगा। हाँ बताओ, और काफी भारी है, काफी भारी ट्रॉली है। हमारी गाड़ी के अंदर सामान आ नहीं रहा था भाई साहब, हम जो है इस ऑटो के अंदर अपना सामान डाल रहे हैं, ये भाई साहब हमें जो है मुल्लापुर छोड़ के आएंगे, तो सारा लगेज मैं अपना जो है इसके अंदर लोड कर रहा हूँ भाई साहब। तो यहाँ देख लो, तो ये है, आ जाएगा सारा सामान, आ जाएगा। चलो भाई ये ऑटो है PB नंबर का है जी,